जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब के साथ तो बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों आसपास से जीडी कॉन्स्टेबल के रिगार्डिंग कोई भी नोटिस या कोई भी अपडेट आता है दोस्तों हम सबसे पहले आपके सामने लेके आते हैं। दोस्तों आज आपके लिए बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खुशखबरी यहाँ हम लेके आए दोस्तों आपके पास में कि सेकेंड लिस्ट बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार कमेंट करके पूछ रहे कि क्या सर सेकेंड लिस्ट आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको विथ प्रूफ बताने वाला हूँ कि आपकी सेकेंड लिस्ट आएगी तो क्यों आने वाली है दोस्तों, तो इसका पूरा रीजन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दूसरी लिस्ट कब तक आपकी जारी हो सकती है, साथ में कितने परसेंट अभ्यर्थी है वो फिजिकल में क्वालिफाई हो रहे हैं, क्योंकि फिजिकल में बहुत ही कम अभ्यर्थी यहां पर क्वालिफाई हो पा रहे हैं। अब जो आपके अब्सेंट बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर रह रहे उसका क्या रीजन है दोस्तों, साथ में आपको कितने नंबर तक आ रहे, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, आपकी सेकंड लिस्ट आ सकती है। कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जहाँ की सेकंड लिस्ट आना अनिवार्य है, मतलब 100% चांसेज बन रहे कि वहाँ की सेकेंड लिस्ट जरूर आएगी। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ जाए। अगर आप SSC GD कॉन्स्टेबल के अभ्यर्थी है तो दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, साथ में महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के पास में जरूर जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको फिजिकल के बारे में बता देता हूँ कि फिजिकल का क्रिटेरिया बहुत कम रह रहा, बहुत ही कम अभ्यर्थी यहाँ पर पास हो रहे दोस्तों, एक दो स्टेट को छोड़कर लगभग स्टेटों में यही सिचुएशन बनी हुई है। लगातार फिजिकल की लाइव अपडेट हम आपको देते रहते हैं, तो यहाँ पर अगर बात करें तो आज की बात है दोस्तों, फिजिकल का एवरेज रेशियो यही रह रहा है कि यहाँ पर 150 अभ्यर्थियों का यहाँ बैच बनने वाला था, लेकिन यहाँ पर 75 अभ्यर्थी उपस्थित हो पाए, मतलब दोस्तों आधे अभ्यर्थी 50% अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित ही नहीं हुए, जिनमें से यहाँ रेस में 50 अभ्यर्थी क्वालिफाई हो पाए, जिसमें 10 हाइट में निकल गए, 2 चेस्ट में निकल गए, लास्ट टाइम यहां पर 38 अभ्यर्थी मात्र पास हो पाए, इनका मेडिकल होगा। दोस्तों बहुत सारे स्टेट है, ये आपको रिपोर्ट में बता रहा हूं, ये आपका राजस्थान, यूपी, हरियाणा, एमपी का दोस्तों ये रिपोर्ट है फिजिकल की। इसके अलावा जितने भी स्टेट है दोस्तों, वहां पर जितने आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए गए अभ्यर्थी, उतने ही अभ्यर्थी यहां पर पास नहीं हो पा रहे, तो ये तो कंफर्म है कि दोस्तों इन स्टेटों की यहां पर सेकंड लिस्ट आ सकती है। बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से स्टेटों की आपकी सेकंड लिस्ट है वो आने के चांसेस बन रहे हैं, तो यहाँ दोस्तों बात करते हैं दिल्ली का। अगर फिजिकल रिपोर्ट देखें तो एवरेज आपका 30% अभ्यर्थी, 30 से 35% अभ्यर्थी ही फिजिकल क्वालिफाई हो पा रहे। जी हाँ दोस्तों, इतने ही अभ्यर्थी बचे हैं जिनका मेडिकल होना है। अगर बात करें दोस्तों एक पोस्ट के लिए यहाँ पर 10 अभ्यर्थियों को पास किया गया था, लेकिन फिजिकल होने के बाद में मात्र 3 अभ्यर्थी यहाँ पर बचे हैं जिनका मेडिकल होना है, और मेडिकल पैरामिलिट्री फोर्सेज का मेडिकल है वो थोड़ा हार्ड लेवल का होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कई बैच ऐसे होंगे जहाँ पर एक भी बंदा पास नहीं होगा, क्योंकि मेडिकली अनफिट हो जाएंगे, और कई होंगे तो मात्र एक अभ्यर्थी पास होगा। तो ये तो कन्फर्म होगी कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर रेशियो 1 से 2 भी रहा है मेडिकल का। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल के लिए 1 या 2 अभ्यर्थी भी क्वालिफाई हो पाए तो यहां पर तो कंफर्म है आपकी सेकंड लिस्ट आ सकती है। दोस्तों अब मैं बता देता हूं कौन कौन से स्टेट ऐसे जहां की सेकंड लिस्ट आने के चांसेस बन रहे हैं, और कौन से स्टेट ऐसे जहां की सेकंड लिस्ट आने के चांसेज बहुत कम है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर बात करें राजस्थान, क्योंकि सबसे हाई मेट यहां पर गई है राजस्थान की, क्योंकि फिजिकली फिट सबसे ज्यादा अभ्यर्थी राजस्थान में मिलेंगे आपको, उसके बाद में आपके हरियाणा में मिलेंगे, उसके बाद में यूपी, आपका यूपी और आपके एमपी में यहाँ पर जो फिजिकली फिट बंदे मिलने वाले, तो यहाँ की चांसेस थोड़े कम बनते हैं आपके सेकंड लिस्ट के। इसके अलावा दोस्तों जितने भी स्टेट है वहाँ की सेकंड लिस्ट आने के 110% चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी आपकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी, जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी मेडिकल के बाद में, तो यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद में आपकी वेटिंग लिस्ट भी जारी होने वाली है। और दोस्तों मैं बता दें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी है जो 2-2, 3-3 कॉम्पिटिशन में सेलेक्ट हो रखे हैं। अगर बात करें तो कल एक अभ्यर्थी एग्जाम दे के आया, फिजिकल दे के आया, तो वो उसके द्वारा बताई गई रिपोर्ट के अनुसार वो बता रहा था कि सर 50% अभ्यर्थी तो हूँ एग्जाम फिजिकल देने ही नहीं आ पा रहे, उसके बाद में यहाँ पर 10 से 20% तक अभ्यर्थी फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पाते, तो यहाँ पर 30% का एवरेज रहता है, मतलब 100 में से 30 अभ्यर्थी यहाँ पर पास हो पाते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी आ रहे हैं वो भी कोई रेलवे में सेलेक्ट हो चुका है, कई डी ग्रुप की ज्वाइनिंग से यहाँ पर फिजिकल देने आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे भी बहुत अभ्यर्थी है जो बोल रहे हैं कि सर हम ज्वाइन नहीं करेंगे SSC GD को, केवल फिजिकल मेडिकल ही देंगे, तो यहाँ पर भी ये सीटें खाली रहने वाली है। तो आपकी ये तो कन्फर्म हो गया कि आपकी सेकेंड लिस्ट है वो आने के यहाँ पर चांसेज बन रहे हैं।